हैव रीच्ड आवर लोकेशन जहाँ पे हम आज रुकने वाले हैं और द व्यू ऑफ दिस होटल दिस रिजॉर्ट मेरीमेंट इज लोकेटेड इन गंगापुर विलेज छोई जो कि जिम कॉर्बेट में और इन्होंने जाते ही हमें सर्व किया बुरास का जूस। बुरास एक फूल है जो उत्तराखंड और हिमाचल में मिलता है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं लाइक आपके लीवर रिलेटेड कोई इशू हो आर्थराइटिस हो ब्रोंकाइटिस हो उन सब में ये फ़ायदेमंद बताया जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पे दो रूम्स बुक किए थे जिसका टूर करने अभी मैं जा रही हूँ पर जब तक मैं बाहर जाती तो मैंने देखा मेरी फैमिली ऑलरेडी सेटल आउट है यार सब चिल कर रहे हैं वहाँ पे वाइब ले रहे हैं मैं ही हूँ जो फोन ले लेके घूमने में लगी हुई हूँ यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ। विल गो फॉर अ टूर यहाँ पे जो मेन सेंटर ऑफ है दिस इज आर रूम वन जिसके भाई मंकी महाराज लटके पड़े हैं थक गया हो गया बेचारा बहुत देर से लटका हुआ था भाई और जितनी देर मैं वहाँ पे रही हूँ तब तक लटका हुआ था और ये था हमारा रूम जो बिखरा है क्यों क्योंकि लटके महाराज सो के उठे हैं। जॉब से पार्ट पर ऑन एंड ऑन जो रूम का इंटीरियर था डिकोर था और जो सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी थी रूम की क्योंकि हाइजीनिक सा रूम लग रहा था वॉशरूम्स हो गए दो उसको क्लीन आपका जो रूम का सर्विस होता है दैट वाज परफेक्टली फाइन। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द रूम वी हैव चोजन तो क्या लिटिल पैलेस में ले लिया एक रूम फ्री नहीं हुआ था एक अवेलेबल था तो हमने सोचा जो अवेलेबल है वो ले लेंगे देन वी मूव्ड अप फ्लोर पे था। यहाँ पे क्या है यहाँ पे देर आर टू फ्लोर्स ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर पूरे रिजॉर्ट में जिसमें तकरीबन 8 या 9 रूम्स होंगे। हाँ हमारा जो रूम था वो यहाँ से बोलो तो राइट हैंड साइड कॉर्नर पे था तो बढ़िया लोकेशन थी बाहर निकल के पूल दिखता है पार्क दिखता है पर जो लेफ्ट हैंड साइड का कॉर्नर था ना वहाँ पे पीछे से रूम का जो व्यू है वो बेड के पीछे से बहुत बढ़िया लगता है यार दिखाती हूँ देखना फोटो में देखो। और ये था हमारा रूम व्हाइट लाइट्स बंद करके ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये था यहाँ का सरप्राइजिंग एलिमेंट द जकूजी जो कि हमने सिर्फ एक ही बार यूज किया क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम तो हम स्विमिंग पूल में ही डूबे पड़े थे सारे के सारे दिनों चाहे रात इसी वाले पूल में पापा और आलोक अंकल अब और हम अब आ गए अपना बफे। पहाड़ों पे अच्छा खाना खाने की थोड़ी सी दिक्कत होती है क्यों क्योंकि आपके टेस्ट के अनुसार खाना नहीं मिलेगा बट यहाँ पे बफे था। दिस इज आवर खाना इसमें से तुमने कुछ भी नहीं है थोड़ा थोड़ा सा मैं ये खाऊंगी माई गोभी माई गो इतना चल रही है गोभी का फूल होने के एंड बफे आपके रूम के पैकेज के हिसाब से होगा कि यू वांट टू टाइम मील और थ्री टाइम मील्स आप जैसा कस्टमाइज कराना चाहोगे वो आपके विल के हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा। ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरे विला भ्रमण करने के बाद मुझे लगा कि दिस प्लेस इज बेस्ट वाई क्योंकि पेट्स अलाउड है यार यहाँ पे सारे अपने डॉग पॉग लेके आ रखे थे। ये पूरी एक फैमिली है जो ये फरी बेबी है ये थी एनी दूसरा उसका पापा बोंजो और ये पापा किसका इसका ये सोना ने छोड़ा ना ये फर बेबी निक्को इसका पापा भाई ये बच्चा उनका
पूल वॉज ऑल्सो ऑसम. क्यों? क्योंकि पानी बहुत मॉडरेट था, क्लीन था, साफ था, क्लोरीन फ्री था भाई, फिर भी इतना फ्रेश था. आईज बिल्कुल भी इरिटेट नहीं कर रही थी. पापा की जंप से मैं एक्साइटेड होके यहाँ पे मैंने सोचा मैं एक जल परी बन के कूदूंगी. तो मैं एक व्हेल की तरह कूदी पूल के अंदर, छपाक जैसे कहते हैं, सारा पानी बाहर. पापा यहाँ पे मम्मी को ट्रिक्स बताएंगे, ऐसे कर पानी को काट, हाथ डालो, पानी काटो, फैलाओ. पापा आज मम्मी को पूरी स्विमिंग सिखा के ही मानेंगे मुझे लगता है. इनका डिस्कशन ऑफ टॉपिक ये है, ये ड्रेस मम्मी की है, मैंने पहनी है, और ये गोवा में पहनी थी और किसी को याद ही नहीं है. अरे पहनी थी, मुझे याद है. सोना को याद है. देयर इज अ डेडिकेटेड लॉन जिसमें सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया, चाय नाश्ता किया, शाम को नहीं नेक्स्ट डे होली पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखा था फूलों वाली होली के लिए. रात को पीछे वाले लॉन में, पीछे भी एक लॉन है यार बहुत बड़ा था ना पार्किंग के साइड में, वहाँ पे आप अपनी अदर एक्टिविटीज कर सकते हो, लाइक वी प्लेड बैडमिंटन, हैड टाइम टुगेदर, बहुत सारी गपशप और ये डांस. शाम को आप सुंदर सुंदर नज़ारे देख सकते हो, लॉन्ग वॉक्स पे निकल सकते हो, और लॉन में बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हो, सनसेट देख सकते हो, सनराइज देख सकते हो. बट वी चोज हियर वॉज टू गो फॉर अ लॉन्ग ट्रैक, जहाँ पे हमें ये बुकली मिल गया था. साथ में ही इसने हमारे साथ पूरे ट्रैक में अपना टाइम बिताया है, और यहाँ पे ये हनी कलेक्शन का भी एक सेंटर बना रखा था. यहाँ से हमने प्योर हनी लिया भी था, हाँ वापसी में लिया था, पापा लेके आए थे. हम चल चुके हैं अपनी लंबी ट्रैकिंग की ओर. व्यू इज वेरी ब्यूटीफुल. ओरिजिनल व्लॉग बड़ा प्यार है, साथ साथ चलो चलो. ट्रैकिंग करते करते वी वेंट स्ट्रेट टुवर्ड्स द कोसी रिवर. मौसम की वजह से ये थोड़ी सी संकुचित थी, थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्टेड थी, पर स्टिल फ्लोइंग थी, है ना. और जब बारिश का मौसम हो या अपने पूरे फ्लो में हो तो उसका लैंडस्केप देखो यार कितना चौड़ा है. जितने पेबल्स है ना ये उतना इसका विड्थ है. पर ये बहुत ब्यूटीफुल व्यू था शाम का. सही तो लिखा है फैमिली ट्रिप पे यार, टीवी के आगे बैठोगे. अगर मेरा छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो आपको बहुत वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर योर लव, स्प्रेड हैप्पीनेस. कमेंट करना मत भूलना यार, प्लीज़ कर देना.